Hi guys, it's Neelam and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share how I made this pretty dress. So without further ado, let's start the video. मुझे ये वाली ड्रेस बनानी है और इसके लिए मैंने मंगवाया है 4.5 मीटर फैब्रिक मोडाइल सैटिन, बट आप प्लीज़ 5.5 मीटर मंगवाना क्योंकि मुझे 4.5 कम पड़ गया और मुझे जोड़ देना पड़ा। लाइनिंग के लिए मैं शेंटून यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका पूरा थान मेरे पास पड़ा है, बट आप सैटिन यूज़ करना, वो ड्रेसेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी लगती है। और मैं ये फेसिंग यूज़ करने वाली हूँ इस फैब्रिक पे ताकि इसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाए, फैब्रिक थोड़ा सा थिक हो जाए। उसके लिए मैं इसको प्रेस करके पूरे फैब्रिक पे यानी 4.5 मीटर पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। मुझे बेसिकली 2 सर्कुलर स्कर्ट बनानी है, छोटे साइज़ की, आई मीन शॉर्ट सर्कुलर स्कर्ट, बट 2 बनानी है। उसके लिए मैंने फैब्रिक को काटा है और स्क्वायर में फोल्ड कर दिया है, यानी ये मैं काटूँगी जब तो 2 स्कर्ट निकलेंगी। अगर आपको सर्कुलर स्कर्ट काटनी नहीं आती है तो मेरी वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं, ये वाली जो मैंने बहुत पहले बनाया था, इसको आप रेफ़र करके सर्कुलर स्कर्ट काट सकते हैं। बस आप उसको 2 बार फॉलो करना क्योंकि हमें 2 सर्कुलर स्कर्ट चाहिए। ये मैंने कपड़ा कम लिया था 4.5 मीटर, इसलिए इसमें मेरा जोड़ आएगा, बट जब आप 5.5 मीटर का कपड़ा लेंगे तो जोड़ नहीं आएगा और सर्कुलर स्कर्ट में आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कपड़े की वीविंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी तो इसीलिए मेरा जो फोल्ड है वो ऊपर नीचे हुआ है, बट ये फोल्ड जो है मैं नहीं काट रही हूँ क्योंकि जब मैं इसमें एक्स्ट्रा पैच लगाऊंगी तो मैं उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर दूँगी। एक्स्ट्रा पैच के लिए मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसको 4 फोल्ड करके इन फोल्ड्स के नीचे रख दिया है और जो शेप है मेरी सर्कुलर स्कर्ट की उसको मैं इस पर कॉपी करके इसको कट कर लूँगी। ये जो पीसेस मैंने काटे हैं इसको मैं सर्कुलर स्कर्ट के जो भी पैचेस बचे हैं, आई मीन ये जो कटिंग बची है इसमें मैं इसको जॉइन कर दूँगी, पिनअप कर लूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस तरह से। और अगर कुछ भी लगेगा कि लेंथ में या शेप में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको मैं बाद में रेक्टिफाई कर दूँगी, करेक्ट कर लूँगी। मेरे 2 सर्कुलर स्कर्ट रेडी हैं, इनमें मैं एक-एक कट दूँगी ताकि मैं दोनों को साथ में जॉइन कर सकूँ। जो मैंने वेस्ट काटी है ना, इन दोनों स्कर्ट को आप मान लीजिए अगर मेरी वेस्ट 26 है तो × 3 कर लीजिए, वो 3 / 2 करेंगे तो मैंने वो 2 स्कर्ट में डाली हैं क्योंकि मुझे इसमें ना बॉक्स प्लीट्स देनी है। बॉक्स प्लीट देने की वजह से जैसे इमेज में हमें फॉल दिख रहा है ना स्कर्ट का, वैसे ही दिखेगा। तो ये जो कट दिए है मैंने, इसी कट से मैं दोनों स्कर्ट्स को ज्वाइन कर लूँगी। मैंने इसमें नहीं दिखाया बट मैंने लाइनिंग भी सेम तरीके से काटी है और उसको मैं बाद में ज्वाइन कर दूँगी एकदम एंड में। वेट्स पे प्लेटिंग देने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी लेंथ आप देखेंगे तो ऊपर नीचे है, इसको मैं लेंथ बराबर करूँगी, काटूँगी इसको और काटने के बाद कुछ ये इस तरह से है। देख रहे हैं फॉल अभी से ये इतना सुंदर आया है इसमें मैं, बट ये वाली हॉर्स ब्रेड कहते हैं इसको, ये अटैच करूँगी ताकि फॉल और भी ब्यूटीफुल लगे। इसको बस मैं एज पे स्टिच कर दूँगी इस तरह से और उल्टा पलट कर फिर से स्टिच कर दूँगी ताकि नीचे बॉर्डर पे अंदर से रहे, बाहर से नहीं। कुछ इस तरह से दिखेगा ये। हालांकि मैं बाद में सोची थी कि इसको भी मुझे कवर कर देना चाहिए या फिर ये हॉर्स प्रिंट ना ब्लैक कलर में भी आती है तो वो सुंदर लगता, बट फिलहाल के लिए मैंने इसी को छोड़ दिया है ऐसे ही। बट ये बाद में दिख रहा था, मैं इसको ना एंड में, मतलब लेटर ऑन दिस वीडियो मैं इसको कवर कर दूँगी बाद में, बट अभी नहीं कर रही। आप प्लीज़ कर लेना अगर आप चाहें तो। अब ये जो फॉल है ना, इसमें कुछ मैं इस तरह से इसको मैंने फोल्ड किया है और यहाँ पे मैं स्टिच मार दूँगी ताकि जब फॉल आए ना तो वो उसी तरह से, इस तरह से देखो ये बन जाए, ऐसे जो कलियाँ बन रही है ना कुछ इस तरह से बन जाए। जहाँ भी मैंने ऊपर ब्लॉक स्प्लीट मारी थी ना उसी के अकॉर्डिंग मैंने नीचे ये स्टिच मारा है ताकि ये जो राउंड शेप आ रही है कुछ इस तरह से वो ऐसे ही आए। जितना मर्जी इसको हिला लो डुला लो ऐसे ही रहेगी। अब बारी है ड्रेस का टॉप बनाने की। टॉप बनाने के लिए मैंने जो पुराना वाला कॉर्सेट पैटर्न बनाया था इस वीडियो में आप देख सकते हैं, वही पैटर्न यूज़ किया है। अगर आपको बनाना नहीं आता तो पहले प्लीज़ वो वाली वीडियो देखना और उसके बाद ही सारे पैटर्न काटना। मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग जो है दोनों पैटर्न के हिसाब से काट लिया है। अब मैं सारे जितने भी ये पीसेस हैं इन सबको ज्वाइन करूँगी। जो बस्ट वाला पीस है, आई मीन जो बस्ट कप्स हैं, उसको मैं सबसे पहले ज्वाइन करूँगी। कौन सा पीस किसके साथ अटैच करना है प्लीज़ पहले ही मार्क कर लेना क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है और उसकी वजह से हो सकता है आपको बार बार खोलना उधेड़ना पड़े, वो ना करना पड़े। तो पहले ही पीस को मार्क कर लोगे तो सब कुछ सही से होगा। इतना करने के बाद आपको सारे पीसेस इसी तरह से करने हैं और फिर लाइनिंग और जो ये मेन फैब्रिक है ना, इसको भी ज्वाइन करना है टॉप से। ऊपर जो कर्व वाला एरिया है ना, वहाँ से आपको लाइनिंग के साथ इसको अटैच करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारे दोनों कप्स रेडी हैं। अब इसको हम नीचे बॉडी जो इसका चेस्ट वाला पोर्शन है उसके साथ अटैच करेंगे। बट इसको अटैच करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें फ़ोम भी डाल दूँ। मेरे पास कप्स नहीं है इस शेप के, तो मैंने फ़ोम यूज़ करी है। जो कोट्स में यूज़ होते हैं ना, आई गेस ये वो फ़ोम है। मेरे पास बहुत सारी पड़ी थी तो मैंने सोचा मैं उसी को यूज़ कर लूँ। फ़ोम मैंने कैसे अटैच करी है, तो जो मेरे पास फ़ोम है वो कोट वाली फ़ोम है, जैसे मैं आपको बता रही थी। वो इस तरह की होती है, ये पैडिंग होती है जो शोल्डर्स पे लगती है। तो ये काफ़ी मोटा था साइड से, तो मैंने उसको अंदर से भी कम किया और इस शेप का मैंने इसको काट लिया है। काटने के बाद मैं इसको ये जो सीम बची है ना, मार्जिन, उसके साथ मैं अटैच कर दूँगी लाइनिंग वाली साइड से और बस उसको पलट दूँगी, तो वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा। अब इसको मैं चेस्ट वाले जो सेक्शन है, बॉडीज है, उसके साथ मैं अटैच करूँगी। उसके लिए मैंने इसको पिन अप करके आपको दिखाया है कि कैसे करना है। ऊपर से कोई सीम नहीं दिखनी, कुछ इस तरह से आप पिन अप कर लें पहले ही और इसको स्टिच कर लें। इतना करने के बाद अब हम लाइनिंग अटैच करेंगे। लाइनिंग भी मैं कुछ इस तरह से अटैच करूँगी कि अंदर से कोई सीम ना दिखे। तो जितने भी ये टॉप वाले पोर्शन है, पहले मैं इसको स्टिच करके सीधी साइड पर पलट दूँगी। और जो ये बस्ट वाला एरिया, या तो आप इसको मशीन से स्टिच कर लो या तो हैंड स्टिच भी कर सकते हो, तुरपाई जिसे हम कहते हैं। मैंने मशीन स्टिच किया है और फाइनल प्रोडक्ट ये है। देखा, कोई सीम नहीं दिख रही। ये जितने भी झोल झाल आपको दिख रहे हैं ना, ये फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखेंगे। अब जितने भी बचे हुए पीसेस हैं उसको भी मैं साइड में ज्वाइन कर दूंगी लाइनिंग के साथ। मेरा फाइनल प्रोडक्ट रेडी है और वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसमें जिप अटैच करने वाली हूँ, मैं इसमें लेसेस नहीं देना चाहती। और इसकी लेंथ भी अभी लंबी है तो मुझे इसकी लेंथ कम करनी है। तो मैं इसको कुछ यहाँ से, यानी टॉप से जो, अगर मैं शोल्डर से नापूंगी तो 15 इंच आना चाहिए। मैंने इसकी लेंथ कम कर दी है। अब मैं सारी जगह पे बोनिंग ऐड करना चाहती हूँ। बोनिंग के लिए मैं पहले केस बनाऊँगी और केस बना के सारी जगह पर बोनिंग अटैच कर दूँगी। बोन केस बनाने के लिए मैं ब्लैक वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। यह बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। बोनिंग के लिए मैंने पहले स्ट्रिप्स काट ली हैं कि मुझे कितनी चाहिए, और ये वाली बोन मैं यूज़ करने वाली हूँ इस कॉसेट में। उसके लिए ये जो केसेस मैंने बनाए हैं, इस केस में मैं एक एक करके ये बोन्स ऐड करूँगी और जहाँ पे भी मुझे कॉसेट में लगानी है उधर मैं कॉसेट में लगा दूँगी। और कप्स के नीचे लगाने के लिए मैंने ये बाय स्ट्रिप ली थी और उसको मैं केस बना के कुछ इस तरह से प्रेस से मैंने घुमा दिया है। बाय स्ट्रिप का ना यही एक क्वालिटी मुझे अच्छा लगता है कि आप उसको किसी भी तरह से घुमा सकते हो। इस तरह से घुमा के मैं कॉर्सेट पे यहाँ पे डिज़ाइनिंग के तरीके से इसको ऐड कर दूँगी। मैंने इसको मशीन से अटैच किया है, आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मेरा टॉप पोर्शन रेडी है, मेरा बॉटम पोर्शन रेडी है। मैं दोनों को अटैच करूँगी। मैं ज़िप ऑलरेडी अटैच कर चुकी हूँ टॉप में, तो स्कर्ट में मैं बैक साइड पे इसको कंटिन्यू करके स्टिच कर दूँगी। और मेरा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल ड्रेस जो है वो ये है। for watching my video. I hope you like it, and if you do, please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and follow me on Instagram as well. See you guys in the next video. Bye.